हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम यूरिया साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम यहाँ पे यूरिया साइकिल के बारे में देखें तो यूरिया साइकिल किस लिए की जाती है? यूरिया की सिंथेसिस के लिए की जाती है। यूरिया की सिंथेसिस कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर यूरिया का एक्सक्रीशन करना होता है। अब ये जो यूरिया ये बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड्स, जिसके पास प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप। ये जो अमाइनो ग्रुप होता है, अगर अमाइनो एसिड का डिग्रेडेशन हुआ या फिर अमाइनो एसिड का हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन हुआ, तो इससे अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है और ये जो है ये प्रेजेंट होता है अमोनिया के फॉर्म में। अब ये जो अमोनियम आयन इसको मैसा का ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो हम इसको रियूज कर ले, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसे फिर से अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं। दूसरी तरफ हम क्या कर सकते हैं कि इसका एक्सक्रीशन के लिए ले जा सकते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूरिया की सिंथेसिस कर सकते हैं, जो हम यूरिया साइकिल में कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है, ये होता कहाँ? ये प्रोसेस चलता है लीवर में। यहाँ पर लीवर में भी कहाँ चलता है? लीवर सेल्स में, जिनका नाम है हेपेटोसाइट्स। हेपेटोसाइट्स में भी ये दो कंपार्टमेंट में चलेगा। पहले कंपार्टमेंट का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे कंपार्टमेंट का नाम होता है साइटोसॉल। ये जो यूरिया साइकिल है, ज्यादा बड़ी साइकिल नहीं होती, सिर्फ इसमें चार रिएक्शन ही होते हैं, जिसमें से एक रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और तीन रिएक्शन होते हैं साइटोसॉल में। इसमें सिर्फ मुद्दा क्या होता है कि यहाँ पर हमें यूरिया बनाना है, जो कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या प्रेजेंट है? दो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम दो अमाइनो एसिड से लेते हैं, और एक यहाँ पर इस तरीके से कार्बन और डबल बॉन्ड होता है, जिसको हम कहाँ से लेंगे? CO2 से लेते हैं। तो बस इतनी सी चीजें हमें ऐड करनी होती है। दो अमाइनो एसिड चाहिए और एक हमें क्या चाहिए? CO2 ग्रुप चाहिए। तो किस तरीके से शुरुआत होती है, आइए हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है हेपेटोसाइट्स का। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, सबसे पहले एक अमाइनो ग्रुप को ऐड किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप यही है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर लाया एक अमोनियम आयन। ये अमोनियम आयन हमें कहाँ से मिला है? ये अमोनियम आयन हमें मिला है किसी भी अमाइनो एसिड के डिग्रेडेशन से। यहाँ पर क्या हुआ, इस अमाइनो एसिड जो है किसके साथ अटैच होगा? ये CO2 के साथ अटैच होगा। अब ये जो CO2 है वो किस फॉर्म में आता है? बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं। कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाते हैं, पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? फॉस्फेट आ रहा है। तो ये फॉस्फेट हमने कहाँ से लिया? ये हम लेते हैं ATP से। यहाँ पे क्या होगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ ATP को यूज किया जाएगा और यहाँ पर किसकी सिंथेसिस की जाएगी? जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा उससे बनाया जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। एंजाइम यहाँ पे कौन सा आएगा? एंजाइम का नाम होता है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस। जब भी सिंथेटेस नाम आ जाए, यानी कि उसका मतलब क्या होता है, ऐसा एंजाइम जो कि क्या यूज करेगा? ATP को यूज करेगा। अब ये जो कार्बोमाइल फॉस्फेट है, इसको किस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? इसको ऑर्निथिन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑर्निथिन कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑर्निथिन साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है। इस ऑर्निथिन को हम कहाँ पे मूव करवाएंगे? इसको हम मूव करवाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट को इस पर ट्रांसफर कर दिया जाए। जब यहाँ पर इसको ट्रांसफर किया जाएगा तो इससे क्या बनेगा? इससे मॉलिक्यूल बनेगा जिसको बोलते हैं सिट्रोलिन। यहाँ पर जो एंजाइम आएगा उसको बोलते हैं ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ से सिट्रोलिन के पास फॉस्फेट नहीं है, तो यहाँ से क्या कर दिया हमने, इस फॉस्फेट को रिमूव कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकाल दिया। और यहाँ पर जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? ट्रांस ऑर्निथिन, क्योंकि ऑर्निथिन पे हमने ट्रांसफर किया है ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये वाला जो रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन है, सबसे पहला यही होता है। और मैंने आपको कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन चलता है। तो अब इस सिट्रोलिन को कहाँ मूव करना पड़ेगा? इस सिट्रोलिन को मूव करना पड़ेगा माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसॉल में। इस तरीके से यहाँ पे सिट्रोलिन आ गया। ये यहाँ पे था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और ये है साइटोसॉल। अब यहाँ पर हमें सिट्रोलिन पे क्या करवाना है, हमारे सेकेंड अमाइनो ग्रुप को अटैच करवाना है। सेकेंड अमाइनो ग्रुप हम किससे लेंगे? एस्पार्टेट नामक अमाइनो एसिड से लेंगे। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है, ये दो हिस्सों में टूटा होता है, जिसको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एंजाइम देखें, तो एंजाइम का नाम होता है आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेटेस। आर्जिनिनो सक्सीनेट की तो सिंथेसिस होती है, और सिंथेटेस यानी कि किसको यूज करेगा? ATP को यूज करेगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आता है? आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेटेस। मैंने आपको कहा है कि ये स्टेप कितने में चलेगा? दो में चलता है। यहाँ पर एक ही स्टेप के दो हिस्से होते हैं। यहाँ पर किसको यूज किया जाएगा? ATP को यूज किया जाएगा और पाइरोफॉस्फेट निकल गए। जो AMP है वो किससे जाके अटैच हो जाएगा? सिट्रोलिन से जाके अटैच हो जाएगा, जिससे क्या बनेंगे? सिट्रोलाइल AMP इंटरमीडिएट।
तो यहां पर सिंथेसिस किसकी हो जाएगी, सिट्रोलाइल एएमपी, एएमपी इंटरमीडिएट की यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी। ये एक इंटरमीडिएट के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इस स्टेप को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2A लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे सिट्रोलाइल एएमपी इंटरमीडिएट पे यहाँ पर किसकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी एस्पार्टेट की। ये जो एस्पार्टेट है ये अमाइनो एसिड है जो कि किसको लेकर आ रहा है, जो कि लेकर आ रहा है हमारे नेक्स्ट अमाइनो ग्रुप को। तो एस्पार्टेट जब यहाँ पर ऐड किया जाएगा तब इस फॉस्फेट को जो हमने ऐड करवाया था उसका रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर फॉस्फेट किस फॉर्म में रिलीज होगा, यहाँ पर फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा एएमपी के फॉर्म में, क्योंकि एएमपी है ना यहाँ पे, तो एएमपी को हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिलीज करवा देंगे। इस एएमपी के रिलीज होने के बाद यहाँ पर किसकी सिंथेसिस होगी, इसकी इधर सिंथेसिस हो जाएगी आर्जिनिनो सक्सिनेट की। यहाँ पर इस तरीके से आर्जिनिनो सक्सिनेट बन गया जो कि किससे बना है, सिट्रुलिन प्लस एस्पार्टेट से बना, इसलिए काफी बड़ा मॉलिक्यूल होता है तभी इसको आर्जिनिनो सक्सिनेट कहा जाता है। एंजाइम यहाँ पर सेम टू सेम आएगा, दैट इज आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, एंजाइम यहाँ पर बिल्कुल सेम रहेगा। एक बार यहाँ पर ये बन गया, ये स्टेप हो गया, 2B भी यहाँ पे हो चुका है। तो अब यहाँ पर आर्जिनिनो सक्सिनेट को क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से फ्यूमरेट मॉलिक्यूल निकलेगा जो कि आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा, जिसको क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें वो अमाइनो एसिड मिल जाएगा जिसका नाम है आर्जिनिन। आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके पास एक से ज्यादा अमाइनो ग्रुप होता है, इसलिए ये बनता है यहाँ पे। यहाँ पर इसको हमने तोड़ा है तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा आएगा, आर्जिनिनो सक्सिनेस, यहाँ पर एंजाइम का नाम आता है आर्जिनिनो सक्सिनेस। अब यहाँ पर ये जो सक्सिनेस, अब यहाँ पर ये जो आर्जिनिन बना है इससे हम फाइनली किसकी सिंथेसिस करेंगे, हम यहाँ पे फाइनली यूरिया की सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पर आर्जिनिन को तोड़ा जाएगा, एक तरफ तो बनेगा ऑर्निथिन और एक तरफ यहाँ पर किसको यूज किया जाएगा, H2O को यूज किया जाएगा, किसके सिंथेसिस के लिए, यूरिया की सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर इस तरीके से यूरिया की सिंथेसिस हो गई, एक अमाइनो ग्रुप हमें मिल गया एस्पार्टेट से और एक अमाइनो ग्रुप हमें मिल गया जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिला था। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया, ये फोर्थ स्टेप हो गया। जो लास्ट स्टेप है उसको करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, आर्जिनेस चाहिए होता है। आर्जिनेस को यूज करके हमने आर्जिनिन को ऑर्निथिन और यूरिया बना दिया। अब इस यूरिया का क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा। तो यूरिया कहाँ बनता है, साइटोसॉल में, लेकिन उसके जो स्टेप्स है वो कहाँ चलते हैं, दो कंपार्टमेंट में इसके पूरे के पूरे स्टेप्स चलते हैं। पहला यहाँ पे क्या था कि कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाओ, फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट को सिट्रुलिन को दो, सिट्रुलिन बाहर आएगा, फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट बनेगा, एंजाइम सेम है, एटीपी को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर दो एटीपी को यूज किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में और वही एक एटीपी को हमने यूज किया गया है साइटोसॉल में, फिर यहाँ पे आर्जिनिन और ऑर्निथिन। तो इस तरीके का दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।